पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कैप्टन मार्वल, आयरन मैन और बाकी सारे सुपर हीरोज अल्पाइन यूटा जाते हैं ब्रूस बैनर यानी हल्क के साथ पूछताछ करने। पूछताछ करते करते ही अचानक से एक तीर आके ब्रूस बैनर के सिर के आर पार हो जाता है और ब्रूस बैनर वहीं पे दम तोड़ देते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं ये जान के कि वो तीर और कोई नहीं हॉकाई ने चलाया था। फिर हॉकाई के ऊपर कार्रवाई चलती है जहाँ पे हॉकाई कहता है कि ब्रूस बैनर ने खुद उसे कहा था उसे मारने के लिए, और ये बात बाद में प्रूव भी हो जाती है। लेकिन इन सारी घटना के लिए टोनी कैरल को जिम्मेदार ठहराता है और शाम को फ्राइडे टोनी को यूलिसिस के फ्यूचर देखने का राज बताती है। अब आगे कैप्टन मार्वल अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर पहुंचती है जहां पे ब्लैक पैंथर से पूछता है, क्या तुमने कोर्ट का फैसला सुना? हाँ, मैं वहीं पे थी, कैप्टन मार्वल ने जवाब दिया। जेनिफर कैसी है? वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर कैप्टन मार्वल ओटी के अंदर जाती है जहाँ पे सीहल का इलाज चल रहा था। कैसी हो जेनिफर? मैं कितनी दिन से बेहोश थी और कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सबसे पहले मैं ही बात करना चाहती थी। कौन सी बात, क्या हुआ है कैरल? जेनिफर, बात यही कि तुम्हारा कजन ब्रूस अब नहीं रहा। एक ऐसा मजाक है, ऐसा नहीं हो सकता। वो हल्क है, वो कैसे मर सकता है? हॉकाई ने मारा उसे। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हॉकाई कैसे मार सकता है मेरे भाई को? मैं वहीं पे थी, मैंने अपने आँखों से देखा। अभी हॉकाई कहाँ है? हमने उसे अरेस्ट किया और उस पर केस चलाया। तुम बहुत दिनों से बेहोश थी डियर, और आज जब तुम्हारा होश आया तो कोर्ट का फैसला भी आ गया। क्या फैसला आया? कैप्टन मार्वल खामोश रहती है। कैरल, बताओ मुझे क्या फैसला आया? कैरल, बताओ मुझे। कोर्ट ने हॉकाई को छोड़ने का फैसला किया है। पूरी दुनिया इस फैसले से हैरान थी। कई लोगों को फैसला सही लग रहा था तो कई लोगों को गलत। कुछ लोगों को लग रहा था कि चलो भाई, अब हमें और हल्का आतंक नहीं सहना पड़ेगा, तो कुछ लोगों को एक एवेंजर के खोने का गम भी था। सारी की सारी मीडिया एक ही बात जानना चाहती थी कि बाकी सुपरहीरोज का क्या कहना है इस बारे में, खास करके टोनी स्टार का क्या कहना है। टोनी एक अंधेरे कमरे में अपने आर्मर में उदास बैठा हुआ रहता है और किसी के साथ बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं खो चुका हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे रोकूँ उन लोगों को, मैं कैसे समझाऊँ कैरल को। मैं खो चुका हूँ इस पहलू में, मुझे इस लड़के यूलिसिस से दिक्कत है, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए दोस्तों। मुझे पता है कि तुम लोग को यही लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, या फिर मैं कैप्टन मार्वल के ऊपर भड़ास निकाल रहा हूँ, या फिर ये रोडी और हल्क के मौत का गम है। लेकिन इससे सच नहीं बदलता, तुम लोग जो भी सोचो मेरे बारे में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने इतने दिनों से एवेंजर बनकर कुछ सीखा है और कुछ जाना है, तो ये है कि फ्यूचर को लिखा नहीं जा सकता। तुम फ्यूचर को देख ही नहीं सकते क्योंकि वो हुआ ही नहीं है। यूलिसिस को तभी एक और विजन दिखता है और कैरल अपने टीम अल्टीमेट्स के साथ उस विजन को फॉलो करके आगे बढ़ती है। टाइम एक कॉन्सेप्ट है, और एक बच्चा जिसे कोई आइडिया नहीं है कि हम लोगों ने कैसे कैसे खतरे झेले, बैठे बैठे फ्यूचर के विजन देखे जा रहा है, और कैरल इसका साथ ऐसे दे रही है जैसे वो कोई भगवान हो। तभी हम देखते एक लेडी बैंक से बाहर निकल रही थी और कैप्टन मार्वल उसे तुरंत रोकती है और अरेस्ट करती है। एक बात अजीब नहीं लगता है तुम लोगों को? यूलिसिस को सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी और खतरे का ही विजन्स दिखता है। क्यों? और उसे विजन्स देखता ही नहीं, उसे महसूस भी करता है। इसका मतलब यूलिसिस का विजन्स उसके बॉडी के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उसके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो अगर यूलिसिस के विजन्स उसके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो यूलिसिस का ब्रेन भी उन विजन्स के ऊपर इफेक्ट करता है। तो फिर विजन्स 100% प्योर कैसे हो सकता है अगर उसका ब्रेन इन विजन्स के ऊपर इफेक्ट डाल रहा हो? मतलब एक पूरा कॉन्सेप्ट ही इम्प्योर है, और इसीलिए मैंने उसके ब्रेन को स्कैन किया और ठीक से एनालाइज किया। तुम लोग मानो ना मानो, मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं गलत निकलूँ, मेरी बात गलत निकले, मेरी सोच गलत निकले, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि खतरों के बारे में पहले से जान के उन्हें पहले ही रोक देना। कौन नहीं चाहता फ्यूचर देखना?
लेकिन फैक्ट्स मुझे मजबूर कर रहे हैं, लॉजिक मुझे कह रहा है कि गलत है। मैंने पता लगा है कि वो कैसे विजन्स देखता है। यूलिसिस का ब्रेन पूरी दुनिया से एनर्जी और डेटा एब्जॉर्ब करता है, कुछ ऐसी एनर्जी जिसके बारे में ना तुम्हें पता है ना मुझे। जो कुछ भी इस पूरी दुनिया में हो रहा है उन सारी चीजों का डेटा और एनर्जी यूलिसिस का ब्रेन एब्जॉर्ब करता है और उसे विजन्स के फॉर्म में बाहर छोड़ता है। यूलिसिस बस थियोरेटिकली विजन्स देखता है, मतलब वो फ्यूचर नहीं देखता है, वो बस कुछ डेटा कलेक्ट करके उसको कैलकुलेट करके उसका एक एल्गोरिदम बना के एक पॉसिबिलिटी बताता है कि ऐसा हो सकता है। ये बस सिंपल मैथ्स है, ये प्रोबेबिलिटी है, कोई फ्यूचर नहीं। उस लेडी के जाते ही कैल उस लेडी का ब्रीफकेस चेक करती है। और अब जब इन विजन्स का सच्चाई मुझे पता चल गया है तब मुझे और भी डर लग रहा है। शायद थानोस जरूर आता, शायद ब्रूस जरूर हल्क बनता, लेकिन फिर क्या होता? फिर शायद वो नहीं होता जो यूलिसिस ने देखा था। यूलिसिस फ्यूचर को देख नहीं रहा है, वो फ्यूचर को बना रहा है, वो हमारे फ्यूचर को बना रहा है। कहल चाहे इसे कुछ भी कह ले, लेकिन मैं सच्चाई जानता हूं, कहल प्रोबेबिलिटी पे दाव लगा रही है। उस ब्रीफकेस को खोलते ही कहल हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ब्रीफकेस खाली निकलता है। प्रोबेबिलिटी कभी सच नहीं होती है, वो बस एक सिंपल मैथ है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग दुनिया को प्रायोरिटी में लेके चलने लगे तो क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा लोगों की आज़ादी का, क्या चांसेस है कि यूलिसिस का सारा विजन्स सही है। और हल्क के साथ हुई घटना के बाद यूलिसिस का विजन्स और भी पावरफुल होते जा रहा है। अब तो लोग उसका विजन्स महसूस भी कर पा रहे हैं। इससे सब कुछ बदल जाएगा, ये सब कुछ खत्म कर देगा। फिर क्या होगा इस दुनिया का, कहाँ रुकेंगे हम? बस इतना ही कहना था। अब तुम लोग कहो, क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं और कैप्टन मार्वल उस खाली ब्रीफकेस के साथ खड़ी की खड़ी रह जाती है। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर गलत नहीं होंगे। शाम को टोनी कुछ सुपरहीरोज को मीटिंग में बुलाता है। कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, मेडूसा, हैंक, ब्लैक बोल्ट और ब्लैक पैंथर। सब कुछ सुनने के बाद कैप्टन अमेरिका टोनी से पूछते हैं कि क्या तुम 100% श्योर हो इस बारे में? अगर मैं श्योर नहीं होता तो तुम लोगों को क्यों बुलाता? क्या तुम्हें लगता है कि इन्ह्यूमन्स वाले ने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं मेडूसा के साथ एक कमरे में रह पाऊंगा? डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि कैरल की हरकतें तुम्हें मजबूर कर रही है टोनी। फैक्ट्स मुझे मजबूर कर रहे हैं। कैप्टन अमेरिका कैरल से पूछता है कि तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में। कैरल जवाब देती है, मुझे भरोसा नहीं है, मैं हैंक को कहूंगी पहले टोनी का काम देखने के लिए। तभी हैंक कहते हैं कि मैं पहले ही टोनी का काम देख चुका हूँ, टोनी सच कह रहा है। सुन के कैरल की बोलती बंद हो जाती है। कैप्टन मार्वल बस देखती रह जाती है। अब बात आती है कि तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी, मतलब क्या? अगर मुझे कोई कहता है कि मेरे सामने वाले आदमी के पास गन है और वो गोली चलाने वाला है तो मैं क्या करूंगी? मैं बैठ के उसके गोली चलाने का इंतजार करूंगी या फिर उसे जाके चेक करूंगी? कितने परसेंट? 40-60? ये विजन्स कितने परसेंट सच होने चाहिए जो तुम इन पे भरोसा करोगी? अगर मैं कहूँ कि यूलिसिस का विजन सच होने के चांसेस सिर्फ 10% है तब? अगर थानोस का हमला करने के चांसेस 10% भी हुए तो इतना काफी है मेरे लिए। ओ अच्छा, ये विजन वो नहीं है जो तुम इतने देर तक सोच रही थी और फिर भी तुम ऐसा कहोगी? क्या रोडी ऐसा नहीं करता? मैं उससे पूछता लेकिन वो अभी जिंदा ही नहीं है, तुम्हारी मेहरबानी से। ये बात कैरल के दिल पे लग जाती है और वो गुस्से में कहती है, मेरा हो गया टोनी, तुम बाहर में जाओ। कैरल गुस्से में छत तोड़ के निकल जाती है। अब ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी तो मुझे पहले से ही पता थी। तभी हैंक टोनी को बताता है कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता टोनी, कैरल को भी रोडी के मौत का गम है। फिर टोनी कैप्टन से पूछता है कि क्या मैं ज्यादा कुछ कर रहा हूँ? कैप्टन जवाब देते है कि नहीं, लेकिन कैरल का तो ये मानना नहीं है। फिर हैंक पूछते है कि क्या तुम्हारा खुद का ये मानना है?
ब्रूस के साथ जो कुछ भी हुआ, अब इसके बाद तो मुझे सब पब्लिक को बताना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। मेडुसा टोनी के शब्दों पे गौर करती है और ब्लैक बोल्ट मेडुसा की तरफ ताकता है। फिर हम देखते हैं कि बैंक के सामने से अरेस्ट की हुई वो लेडी डिटेंशन रूम में बैठी रहती है। कैप्टन मार्वल वहां पहुंचती है और मारिया से पूछती है कि क्या इस लड़की ने कुछ बताया। मारिया जवाब देती है कि नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस लड़की को बंद नहीं रख सकते। एक नॉर्मल सिविलियन है, एक बैंकर है, इसे सभी ढूंढ रहे हैं। त्यचाला आगे बताता है कि इसके पापा शिकागो के एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो मीडिया के पास भी जा चुके हैं। फिर कैप्टन मार्वल डिटेंशन रूम के अंदर जाती है और उस लेडी से पूछती है कि क्या तुम हाइड्रा को जानती हो। वो लेडी बताती है कि हाँ, हाइड्रा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तभी कैप्टन मार्वल उसे कहती है, तुम हाइड्रा की एजेंट हो। वो लेडी सुन के हैरान हो जाती है और कहती है, क्या कर रही हो तुम, मैं तो एक बैंकर हूँ। फिर कैप्टन मार्वल उसे पूछती है, तो तुम एक खाली ब्रीफकेस के साथ कहाँ जा रही थी। वो लेडी जवाब देती है कि वो मेरा पुराना ब्रीफकेस था, मैं उसे चेंज करने जा रही थी। फिर कैरल उससे कहती है कि झूठ मत बोलो, मेरे पास लीगल राइट्स है तुम्हें डिटेन करने की। वो लेडी चिल्ला कर कहती है कि लेकिन किस लिए, मैंने तो कुछ नहीं किया। कैरल वहां से जाने लगती है और वो लेडी चिल्ला कर कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा नाम एलिसा ग्रीन है और मैं यूनाइटेड स्टेट का एक नागरिक हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने पिता को कॉल करना चाहती हूँ। मारिया कैरल से कहती है कि हमें प्रूफ चाहिए होगा। कैरल जवाब देती है कि प्रूफ हम ढूंढ लेंगे। तभी डिटेंशन रूम में एक पर्पल कलर का स्मोक दिखता है। कैरल समझ जाती है कि नाइट कॉलर का काम है, उसने इस लेडी को टेलीपोर्ट किया है और टोनी के कहने पे ही नाइट कॉलर ने किया है। मारिया तुरंत पूरी बिल्डिंग को लॉक करने के लिए कहती है। कैरल कहती है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे टोनी को अरेस्ट करना पड़ेगा। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि तुम्हें पहले टोनी को ढूंढना पड़ेगा। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, वो यही पे है। कैरल जल्दी छत पे पहुंचती है। तभी हम देखते हैं कि टोनी अपनी पूरी टीम के साथ छत पे मौजूद होता है। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अब बहुत हो गया टोनी। लेकिन अब तो ये होके रहेगा बहना, क्योंकि अम्मी जान कहती थी, दुनिया के लिए जो सही हो सही, दुनिया के लिए जो गलत वो गलत, इससे ज्यादा सोचा नहीं। कैरल भी अपनी टीम अल्टीमेट्स के साथ खड़ी होती है और टोनी को कहती है कि अब मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाली हूँ। हाँ क्यों नहीं, लेकिन जब पब्लिक देख लेगी कि तुम लोग क्या कर रही हो, तो तब देखेंगे कि कौन अरेस्ट होता है। कैरल कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ जरूर, लेकिन मैं यहाँ जिन लोगों के साथ खड़ा हूँ, वहां से तुम थोड़ी सी कमजोर दिख रही हो डार्लिंग। ओ अच्छा, तो फिर शायद तुमने इन लोगों को आते नहीं देखा। तभी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की पूरी टीम वहां आ जाती है। मेरे तुमसे ज्यादा दोस्त है भाई।